आपके अपने चैनल फार्मिंग गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने पूरा गार्डन का टूर कि हमारे गार्डन में कितने पौधे हैं और कौन कौन सा पौधा है। और आज हमारे तरफ भी बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुआ है जिससे चारों तरफ पानी भर गया। आप मेरे तरफ मेरे पीछे भी देख सकते हैं सारे पौधे पे पानी, पत्तियों पे पानी जमा हुआ है क्योंकि कुछ देर पहले ही बारिश खुला है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा खेत सारा भरा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे गार्डन का ये जो पहला पेड़ आप देख रहे हैं ये एक शुक्ल वैरायटी का आम है जो हमने इसे 6 महीना पहले लगाया था और इसका ग्रोथ तो अभी फिलहाल सही नहीं है, पर आज हम इस पे इसके जड़ों तक गुड़ाई कर और यूरिया और DAP डाले हैं। उसके बाद देखते हैं 10 दिन बाद क्या इसका रिजल्ट आता है, ये ग्रो करता है कि नहीं। और चलते हैं अब दूसरे पेड़ की तरफ। ये जो दूसरा पेड़ है हमारे गार्डन में ये नींबू का पेड़ है जिसे हमने मार्केट से लेकर लगाया था, जो है कागजी नींबू, जो करीबन 1.5 से 2 साल का होगा। और फिलहाल इसका ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, उसमें फ्रूटिंग भी हो रहा है जब से हमने लगाया था। देख सकते हैं नीचे बहुत सारा फ्रूटिंग हुआ है और इसमें भी आज हमने खाद वगैरह सब डाला है सारे ही पौधे में। और इसका भी देख सकते हैं ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इसकी पत्तियाँ भी और नया नया ब्रांच भी बहुत सारा निकला हुआ है। और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये किस तरह सा फ्रूटिंग करता है। चलिए अब हम अपने तीसरे पेड़ की तरफ चलते हैं। थर्ड प्लांट भी ये जो है सो नींबू का पेड़ है, ये भी कागजी ही वैरायटी का नींबू है, पर इसे हमने घर में BA से उगाया था और ये अभी लगभग साल भर का है। जो देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो गया, ये देख सकते हैं ये लगभग इतना बड़ा हो गया है, करीबन 4 फीट का हो गया है। और ये अभी फ्रूटिंग नहीं कर रहा, अभी फिलहाल ये अच्छे से बढ़ रहा है। अब चलिए हम चौथे पेड़ की तरफ चलते हैं। चौथा पेड़ हमारे गार्डन में ये जो है सो अनार का पेड़ है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटिंग कर रहा है। ये भी हमने बीज से उगाकर घर में लगाया था और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बहुत सारे इसमें इतना देख सकते हैं बहुत सारा फ्रूट आया है। और ये देखिए किस तरीके से ये भी लगभग 7 से 8 फीट के लगभग बड़ा हो गया है। और देख सकते हैं फ्लॉरिंग भी हो रहा है, फ्लॉरिंग तो गिर जा रहा है पर फ्रूटिंग भी हुआ है। इधर देख सकते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखिए बहुत सारा फ्रूट हुआ है इस बार, करीबन 20 से 25 फ्रूट लगा हुआ है। और देखते हैं आगे जब हार्वेस्ट करेंगे इससे फ्रूट तब हम डेडिकेटेड वीडियो इस पर लाएंगे। चलिए अब हम पांचवे प्लांट की तरफ चलते हैं। पांचवा प्लांट है वो अमरूद का पेड़ है जो देख सकते हैं ये लगभग 5 साल पुराना पेड़ है, 5 साल पहले हमने लगाया था। और इसका देख ग्रोथ सबसे अच्छा ग्रोथ इसका हुआ है, जो इसमें कोई हमने खास केयर भी नहीं किया। और देख सकते हैं लगभग ये बहुत बड़ा हो गया, इसका तो 20-30 फीट ऊंचा हो गया और बहुत सारा इसमें नींबू भी बहुत सारा अमरूद भी लगता है देखिए इस तरह का। और काफ़ी अमरूद तो हम लोगों ने तोड़ कर खा लिया और अभी भी बहुत सारा ऊपर अमरूद है। चलिए अब हम पांचवे पेड़ की तरफ चलते हैं। पांचवा पेड़ भी अमरूद का ही है, ये देखिए इसके ही बगल में, ये करीबन भी 8 फीट का होगा, ये भी बहुत अच्छे से फट रहा है। और एक और अमरूद का प्लांट वहाँ पर है, ये देखिए इसमें भी देखिए बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है, इतना अमरूद लगा हुआ है कि पूरा दाढ़ झुक गया है। और इसके बगल में भी एक नींबू का पेड़ है जो करीबन बहुत बड़ा है, ये भी ये हमने सरकारी नर्सरी से 10 रुपये में लेकर लगाया था, 3 फीट का पेड़। अब ये देखिए अभी कितना बड़ा हो गया, नीचे से देख सकते हैं, ये अभी पिछले बार फ्लावरिंग हुआ था पर फरा नहीं, इस सीजन में देखते हैं फरता है कि नहीं। चलिए अब हम पांचवे पेड़ की तरफ चलते हैं जो आम का पेड़ है जिसे हमने हाजीपुर से लाकर लगाया था, दुधिया मालदा, वहाँ देखिए वहाँ पर है। ये दो पेड़ है, एक यहाँ है जो करीबन दोनों का एज हो रहा होगा 5 साल, दोनों को 5 साल हो गया। इसका ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है, देख सकते हैं करीबन 10 फीट तक बड़ा हो गया पर ये उतना बड़ा नहीं हुआ है। और एक पेड़ वहाँ जो दिख रहा है मचानपुर अंगूर का पेड़ है, वहाँ पे जो दिख रहा है सो उड़हुल का फूल है। और एक पेड़ हम लोगों ने नया लगाया है यहाँ पर जो दिखाते हैं आपको, वहाँ पर आप देख रहे होंगे वो मौसम्मी का डांबे का जो बड़ा वाला नींबू होता है, घाघर उसको बोला जाता है, उसका पेड़ देखिए वहाँ पर हमने लगाया है अभी हाल ही फिलहाल में 5 दिन
4-5 दिन पहले उसको ट्रांसप्लांट किया है दूसरी जगह से। अभी तो ये फिलहाल मुरझाया हुआ है, अब देखते हैं कब से ये अपना ग्रोथ शुरू करता है। और बस यही सारे, इतने ही सारे पेड़ हैं हमारे गार्डन में। और हमारे गार्डन के बगल में भी और सारा गार्डन है जिसमें देख सकते हैं आम का पेड़ है, उधर वही बड़ा वाला नींबू जो होता है उसका पेड़ है, और इधर भी है, उधर भी पेड़ है। मतलब जहाँ पे मेरा गार्डन है इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। इधर देख सकते हैं और इधर खेत है जिसमें धान रोपाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। आपने देखा है कुल मिलाकर मेरे गार्डन में 10 से 12 पेड़ है जो अभी फिलहाल 5 फीट 7 फीट का जो एज है, जिसमें 2-4 पेड़ है जो फ्रूटिंग भी कर रहे हैं और सब नहीं कर रहा। तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।